नमस्कार, विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे विशेष स्वच्छता अभियान 2 की। बताएंगे कैसे सड़क दुर्घटनाओं में जन हानि को कम कर सकता है स्कूली छात्र द्वारा तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी मॉडल। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। युवा पीढ़ी को प्राचीन ज्ञान से परिचित कराएगा आगामी आकाश तत्व सम्मेलन। DST, इसरो और विज्ञान भारती के सहयोग से देहरादून में आयोजित होगा पंच तत्व पर आधारित कार्यक्रम। सरकार के विशेष स्वच्छता अभियान 2 का सफलतापूर्वक समापन। 2 से 31 अक्टूबर तक चले इस अभियान में बड़ी संख्या में सरकार के विभिन्न विभागों ने लिया हिस्सा। CSIR NPL द्वारा कार्बन नैनोट्यूब आधारित बकी पेपर सेंसर विकसित। चिकित्सा क्षेत्र को शारीरिक गतिविधियों की निगरानी का किफायती समाधान दे सकता है यह नवाचार। और स्कूली छात्र ने तैयार किया सड़क दुर्घटनाओं में जन हानि कम करने का नवीन मॉडल। देश को एक नया समाधान दे सकती है DST और इंटेल इंडिया के तहत तैयार की गई यह परियोजना। और अब खबरें विस्तार से। युवा पीढ़ी को प्राचीन ज्ञान से परिचित करने के उद्देश्य से इसरो और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान भारती के साथ मिलकर आकाश तत्व के नाम से एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यह सम्मेलन 5 से 7 नवंबर को देहरादून में आयोजित किया जाएगा। पेश है इस सम्मेलन पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारतीय प्राचीन ज्ञान में विज्ञान का समावेश तमाम पौराणिक कथाओं और वेदों में मौजूद है। ज्ञान के क्षेत्र में पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने वाली भारत भूमि पर ज्ञान की ऐसी तमाम रचनाएं मौजूद हैं जिन्हें आज के विज्ञान से जोड़ा जा सकता है। कालांतर में इस प्राचीन ज्ञान से हमारी पहचान कम होती चली गई। अब भारत की युवा पीढ़ी को अपने ज्ञान से समृद्ध गौरवशाली विरासत से परिचित कराने के उद्देश्य से भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ मिलकर स्वदेशी विज्ञान संस्था विज्ञान भारती के सहयोग से आकाश तत्व सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। देहरादून में होने वाले इस आयोजन को लेकर पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया, जिसमें केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और अंतरिक्ष विभाग मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अंतरिक्ष विभाग के सचिव एस सोमनाथ सहित कई वरिष्ठ जनों ने कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी साझा की। इन दिस मिनिस्ट्री ओवर द लास्ट 1 ईयर और सो वी हैव sought to carry out projects which have been theme-based, not ministry-based, because otherwise we learnt even during the COVID, that every second room had a separate project on COVID. Because the COVID was a saleable subject, you got easy publication, easy funds. So I think that leads to sometimes, you know, suboptimal utilization of resources. So we have already integrated in the sense that we have regular joint meetings of all the 6-7 ministries or departments of science in the government of India. So this is carrying forward that now from that whole of government, which I have been saying of late, whole of government should now extend to whole of nation, whole of society. So we are, I think that is one of the hallmarks of this event. देहरादून में होने वाले सम्मेलन में देश भर से लगभग 35 प्रतिष्ठित वक्ताओं के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है, जो पंच महाभूत पर आधारित स्थायी जीवन विकसित करने जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। मान्यता है कि इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर हर पदार्थ और जीवन का निर्माण हुआ है। आकाश तत्व सम्मेलन में इन 5 में से आकाश कैसे जीवन निर्माण का हिस्सा है, इस पर चर्चा की जाएगी। ये प्राचीन ज्ञान आज के आधुनिक विज्ञान से कैसे जुड़ता है, ये समझने का प्रयास किया जाएगा। Basically, to strive to tell one tattva, that is आकाश, out of the panchabhutas which we know,
मैं मूल रूप से पंचभूत के एक तत्व को बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि आकाश है। इसे विज्ञान के संदर्भ में या इस देश में मौजूद प्राचीन ज्ञान के साथ विस्तारित करने के लिए आधुनिक ज्ञान और कौशल से जोड़ना है। इसलिए हम उन पांच विषयों पर और इसके विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए लगभग 35 प्रमुख वक्ताओं को एक साथ इस सम्मेलन में आमंत्रित कर रहे हैं। भारत के युवा आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के साथ प्राचीन विज्ञान के ज्ञान को भी समझें, ये एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। प्राचीन विज्ञान कहता है कि पंचभूत मानवता की भलाई के लिए घनिष्ठता से एक साथ जुड़े हुए हैं और इनका गहन अध्ययन कर आने वाली तमाम पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान निकाला जा सकता है। So you will see that this national conference will see आप देखेंगे कि इस आकाश तत्व पर राष्ट्रीय सम्मेलन में प्राचीन भारतीय ज्ञान, आधुनिक विज्ञान और दोनों का एकीकरण देखने को मिलेगा। Integration of the two on the platform of आकाश तत्व। आकाश तत्व सम्मेलन पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित वैज्ञानिक बैठक होगी, जिसमें प्राचीन ज्ञान की आज की प्रासंगिकता और वो किस तरह आधुनिक विज्ञान को बल दे सकती है, इस पर चर्चा की जाएगी। आने वाले समय में भारतीय ज्ञान और प्राचीन विज्ञान को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से इस तरह के और आयोजन किए जाने की योजना है, जो न सिर्फ भारतीय युवाओं को अपनी तथ्यात्मक परंपराओं से परिचित कराएंगे बल्कि विश्व का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। इकतीस अक्टूबर को भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष स्वच्छता अभियान 2 का सफलतापूर्वक समापन हो गया। स्वच्छता और सरकार के लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से इस विशेष अभियान को 2 अक्टूबर से शुरू किया गया था। इस दौरान सरकारी दफ्तरों में बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया गया और स्क्रैप को हटाया गया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस अभियान की उपलब्धियों को भी साझा किया। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। देश में स्वच्छता की समस्या के साथ साथ सरकारी दफ्तरों में लंबित मामले, शिकायतें और रिकॉर्ड का निपटारा भी एक बड़ी चुनौती रहा है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत सरकार ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान 2 चलाया। इस स्वच्छता अभियान के तहत मंत्रालयों, विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की देखरेख में चलाया गया ये अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। स्वच्छता अभियान 2 के तहत स्वच्छता को संस्थागत बनाने पर जोर दिया गया, जिसमें नोडल अधिकारियों को संवेदनशील बनाना, लंबित मामलों की पहचान करना, स्क्रैप निपटान और रिकॉर्ड प्रबंधन जैसे कार्य शामिल हैं। समापन से पहले केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पहले 3 हफ्तों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी साझा की। मोदी जी ने जब 2014 में एक स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था, तो उस समय एक नई जागरूकता भी पैदा हुई और पहली बार ऐसा हम सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री लाल किले से इसका आह्वान कर रहे हैं और ये देखते ही देखते जन अभियान बन गया। उसके बाद धीरे 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 हम आगे बढ़ते गए, प्रधानमंत्री भी समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे। जब हमने स्वच्छता का पिछले वर्ष अभियान शुरू किया तो उसके साथ कुछ और भी जोड़ दिया। विशेष स्वच्छता अभियान 2 को 68,363 अभियान स्थलों पर सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इसके तहत पहले 3 हफ्तों में ही विभिन्न सरकारी कार्यालयों में 40 लाख फाइलों की समीक्षा की गई और 3 लाख से ज्यादा लोक शिकायतों का निवारण किया गया। 5,000 से ज्यादा सांसदों के संदर्भों का उत्तर दिया गया। इस दौरान कबाड़ निस्तारण किया गया, जिससे सरकार को 254 करोड़ की कमाई हुई और कबाड़ हटने से 37 लाख वर्ग फुट से ज्यादा जगह खाली हुई। चौथे और अंतिम सप्ताह में ये उपलब्धियां कई गुना बढ़ गईं।
विभागों की झलकियां देखें तो डाक विभाग ने लगभग 18,000 डाकघरों में ये अभियान चलाया। रेल मंत्रालय ने 7,000 से ज्यादा स्टेशनों को स्वच्छ किया। फार्मास्यूटिकल विभाग ने लगभग 6,000 अभियान स्थलों को शामिल किया। रक्षा विभाग के तहत लगभग 4,500 अभियान स्थल और गृह मंत्रालय के अधीन लगभग 5,000 स्थलों पर यह अभियान चलाया गया। इसी अभियान के तहत विभिन्न मंत्रालयों के अधीन विभागों और संस्थानों ने ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किए, जिनसे पारदर्शिता बढ़ने के साथ साथ लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी आई। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने से बड़ी मात्रा में कागज के उपयोग को कम किया जा सका है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण कदम है। कोई भी अभियान जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम अपनी किसी लक्ष्य के प्रति, किसी आदर्श के प्रति, किसी उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः जाहिर करें, अपने संकल्प को पुनः समर्पित करें, रीइटरेशन ऑफ वन्स रिजॉल्व। लेकिन अभियान का अर्थ ये नहीं होता कि स्वच्छता केवल अभियान तक सीमित रहेगी, ये एक व्यवहार की बात है, एक अभ्यास की बात है। अपने कार्यकाल के दौरान मौजूदा सरकार ने स्वच्छता जैसे पर्यावरण और जन स्वास्थ्य से जुड़े अभियान पर विशेष बल दिया और अब इसी अभियान को बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार के ऐसे जनहितकारी प्रयासों से न सिर्फ गुड गवर्नेंस की शुरुआत हो रही है, बल्कि ये अभियान आम नागरिकों को भी उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक करते हैं, जो कि एक सफल और समृद्ध राष्ट्र निर्माण की अहम कड़ी है। नई दिल्ली स्थित CSIR की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने कार्बन नैनो ट्यूब द्वारा एक ऐसा बकी पेपर सेंसर तैयार किया है जो चिकित्सा क्षेत्र में काफी कारगर साबित हो सकता है। यह सेंसर मनुष्य के शरीर की गतिविधियों की निगरानी और आंकड़े जमा करने का एक बहुत ही सटीक और किफायती समाधान हो सकता है। क्या है ये बकी पेपर सेंसर और कैसे काम करता है, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की यह रिपोर्ट। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शरीर के अंगों की गतिविधियों और कार्य विधियों की निगरानी काफी महत्वपूर्ण है। विज्ञान के विकास के साथ साथ ऐसे कई सेंसर और उपकरण तैयार किए गए जिनसे रोगी के अंगों की गतिविधियां, हृदय गति, नाड़ी, सांस लेने की गति आदि को मापकर रोग की सही स्थिति की जानकारी ली जाती है। लेकिन ये सभी उपकरण काफी महंगे और मशीन के आकार में होते हैं। नई दिल्ली स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने इन बड़ी मशीनों की जगह एक बकी पेपर आधारित सेंसर विकसित किया है। ये बकी पेपर सेंसर जिस अंग पर भी लगाया जाता है उस अंग की कार्यशीलता और गतिविधि के सटीक आंकड़े जमा कर सकता है। बकी पेपर और PDMS एक पॉलीमर होता है जिसके मिश्रित से हम लोगों ने ये डिवाइस बनाया है और ये डिवाइस जो है ह्यूमन मोशन को मॉनिटर कर सकता है। तरह तरह के हम लोग मोशन के मॉनिटरिंग को उसमें देख सकते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर गले पे ये लगा दिया जाए तो सेंस कर सकता है, अगर हम नोज पे लगा दें तो ब्रीथ को सेंस कर सकता है, अगर हम हाथ पे लगा दें तो पल्स को सेंस कर सकता है। सो ये सारी तरह की जो मॉनिटरिंग है बहुत ज़रूरत है चिकित्सा विज्ञान में कि हम इस तरह का नैनो टेक्नोलॉजी से डेवलप करें सेंसर कि जो हल्का भी हो, स्ट्रेंथ में भी ज़्यादा हो, आसानी से सेंस भी कर सके और सेंसिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो। NPL के फोटोनिक सामग्री मेट्रोलॉजी विभाग के शोधकर्ताओं ने कार्बन नैनोट्यूब सकल का उपयोग कर बहुत महीन बकी पेपर सेंसर तैयार किया जो अन्य सेंसरों की तुलना में उच्च संवेदनशील और लचीला है। इसे शरीर पर आसानी से लगाया जा सकता है। ये सेंसर अंगों के मूवमेंट, सांस लेने की गति, नाड़ी आदि की सटीक जानकारी देता है, जिससे साधारण जांच से लेकर गंभीर रोगियों की निगरानी करने में आसानी होगी। सबसे अहम बकी पेपर आधारित सेंसर होने के चलते ये काफी सस्ता समाधान है। इसका उपयोग दूरस्थ क्षेत्रों में भी आसानी से किया जा सकता है। ये उपाय भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में एक नई उपयोगिता साबित कर सकता है। We have developed an ultra sensitive, highly flexible,
वेरेबल सेंसर, हमने एक अति संवेदनशील, अत्यधिक लचीला, पहनने योग्य सेंसर विकसित किया है जिसे सीधे त्वचा पर लगाया जा सकता है या इसे बिस्तर, स्मार्ट घड़ी, स्मार्ट बैग या स्मार्ट तलों जैसे उपकरणों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इस उपकरण में उच्च अनुप्रयोग हैं क्योंकि यह एक एकल सेंसर मानव अंगों की गति का पता लगा सकता है, जैसे कि कलाई का मुड़ना, घुटने या कोहनी का मुड़ना और सांस लेने, चलने और बोलने के पैटर्न के लिए, और इन सभी गति और पैटर्न को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। यह पल्स रेट, हार्ट बीट और यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर को भी रिकॉर्ड कर सकता है। इस सेंसर के इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्किन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में एप्लीकेशंस हैं। सॉफ्ट रोबोटिक्स, ई स्किन, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक स्किन एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला राष्ट्र की मापतौल संरक्षण संस्था है जो समय से लेकर हर तरह के भौतिक और रासायनिक माप इकाइयों के वैश्विक स्तर पर मान्य भारतीय मानकों को तय करने का काम करती है, साथ ही इस दिशा में अनुसंधान एवं विकास कार्य भी कर रही है। NPL द्वारा विकसित की गई कई प्रौद्योगिकियां हैं जिन्होंने राष्ट्र को मजबूत बनाया है, और हाल ही में NPL के वैज्ञानिकों ने करेंसी नोट, पासपोर्ट और सरकारी दस्तावेजों की जालसाजी रोकने के लिए नई किस्म की स्याही भी विकसित की थी। ये ताजा उपलब्धि चिकित्सा क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ाकर आम जनजीवन के लिए नई आसानी पैदा करेगी, जो कि भारत सरकार के स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत मुहिम के अनुरूप है। छात्र ने सड़क दुर्घटनाओं में जन हानि को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल द्वारा CCTV नेटवर्क द्वारा प्राप्त डेटा से स्वतः सड़क दुर्घटना और इसकी स्थिति पता लगते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल उसकी जानकारी अस्पतालों और संबंधित विभागों को पहुँचा देगा। DST और इंटेल सहयोग के तहत विकसित इस मॉडल को हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय स्तर प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। छात्र द्वारा विकसित इस नवोन्मेषी विचार पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारत में हर साल सड़क दुर्घटना में औसतन 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इनमें ज्यादातर जनहानि सूचना में देरी और समय पर चिकित्सा सेवा न मिल पाने के कारण होती है। इसी समस्या का हल निकाला है प्रयागराज उत्तर प्रदेश के स्कूल के एक छात्र ने। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इंटेल के बीच समझौते के तहत इस छात्र ने दुर्घटना निगरानी और सूचना तकनीक विकसित की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये मॉडल CCTV नेटवर्क से प्राप्त होने वाले डेटा का विश्लेषण करता है और सड़क दुर्घटना की जानकारी तुरंत दुर्घटना स्थल के आसपास के अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं को पहुंचाता है। इससे कम समय में राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सकता है और कई जानें बचाई जा सकती हैं। छात्र के इस अभिनव प्रयास को पिछले दिनों आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। इस प्रोग्राम को बनाने का कारण था कि हर साल बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती थी कार एक्सीडेंट्स में, जैसे कि 2020 में 3,54,000 लोग इस कारण से मरे, वहीं अगले साल यह नंबर 4.03 लाख हो गया, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है। इसलिए मैंने ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसकी मदद से हम लोग CCTV कैमरा यूज़ करके वहाँ पर एक एक्सीडेंट्स को डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल आदि को इस बारे में जानकारी देंगे। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से DST ने इंटेल इंडिया कंपनी के साथ एक समझौता किया है। युवा नवोन्मेषकों के बीच AI तैयारी का निर्माण नाम से शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य 6ठी से 10वीं तक के छात्रों के बीच डिजिटल विकास का निर्माण करना है।
इंटेल की मदद से छात्रों को इस नवीन तकनीक से परिचित कराया जा रहा है और उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवीन विचार दर्शाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस प्रयास का असर भी दिखने लगा है। इस साल भी देश भर के छात्रों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित परियोजनाएं विकसित की थीं, जिनमें सड़क दुर्घटना में होने वाली जनहानि को कम करने वाला यह मॉडल भी शामिल है। डीएसटी इंटेल कार्यक्रम के तहत कम उम्र से ही बच्चों में इस नवीन और बहुउपयोगी तकनीक के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। युवा मन विज्ञान और तकनीक का सहारा लेकर अपनी रचनात्मकता को सही दिशा दे पा रहे हैं। इस पहल से आने वाली हमारी पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक आधारित पीढ़ी कही जा सकेगी। और आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारत सरकार द्वारा 2 से 31 अक्टूबर तक चलाए गए विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के भवनों ने भी अहम योगदान दिया। डीएसटी द्वारा अपनाए गए हरित उपायों ने स्वच्छता अभियान को बल देने का काम किया है। डीएसटी परिसर में निर्मित नए भवनों ने अपने उपयोग के पहले दिन से ही जल और ऊर्जा खपत को काफी कम किया है। इन भवनों का निर्माण भारतीय हरित भवन परिषद की ग्रीन न्यू बिल्डिंग रेटिंग्स और यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की LEED BD+C रेटिंग के अनुरूप किया गया है। नए हरित भवनों में ऊर्जा बचत 20-30% और जल की बचत लगभग 30-50% तक होती है। इसके अलावा उन्होंने वायु गुणवत्ता व दिन के प्रकाश में भी शानदार बढ़ोतरी की है और इनमें रहने वालों के स्वास्थ्य एवं कल्याण, सुरक्षा लाभ और दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित किया है। हरित भवन रेटिंग उपकरण, जिसे प्रमाणन के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग उन भवनों का आकलन और पहचान करने के लिए किया जाता है जो कुछ हरित जरूरतों या मानकों को पूरा करते हैं। ऐसे भवनों को चिन्हित कर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है ताकि उन्हें इन क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय शोध कार्यक्रम के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ता नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के साथ मिलकर अंतरिक्ष में शोध कर रहे हैं। इस शोध के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पाए जाने वाले माइक्रोब्स की आपसी प्रतिक्रियाओं पर अध्ययन किया जा रहा है। स्पेस स्टेशनों को कीटाणु मुक्त करने की रणनीतियां बनाने में सहायक इस शोध से अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर कीटाणुओं के संभावित प्रभाव कम करने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की इम्यूनिटी अलग हो सकती है और उन्हें धरती की तरह चिकित्सा सुविधाएं दे पाना भी कठिन होता है। ऐसे में यह पता लगाना अहम हो जाता है कि छोटी और लंबी अवधि के अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर कीटाणुओं का क्या खतरा हो सकता है। इस शोध की सहकर्मी समीक्षा हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका माइक्रोबायोम में प्रकाशित की जा चुकी है। भारत सरकार लगातार प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान को विश्व पटल पर लाने और उसके उपयोग को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसमें आयुर्वेद भी एक अहम विषय है। इसी कड़ी में पिछले दिनों 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित आई सपोर्ट आयुर्वेद अभियान को इस बार हर दिन हर घर आयुर्वेद थीम दिया गया था, जिसमें लगभग 1.7 करोड़ लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अभियान का उद्देश्य आयुर्वेद के लाभों को व्यापक और जमीनी स्तर तक समुदायों के बीच प्रचारित करना है, ताकि लोग अपने आसपास मौजूद प्राकृतिक संसाधनों और प्राचीन ज्ञान के समावेश के साथ वैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य लाभ ले सकें। इससे मौजूदा चिकित्सा प्रणाली पर बोझ कम होगा और स्वस्थ भारत का लक्ष्य पूरा करने में मदद मिल सकती है। 6 सप्ताह तक चले इस अभियान के तहत भारत सरकार के विदेश मंत्रालय सहित 26 से ज्यादा मंत्रालयों और दूतावासों के सहयोग से 5,000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कई शोध संस्थान प्राचीन आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध कर रहे हैं। द आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया।
भारतीय शोधकर्ता ऑयल रिफाइनरियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए नया मॉडल तैयार कर रहे हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी में हीट एक्सचेंजर्स के खराब होने की समस्या बनी रहती है। कार्यप्रणाली और प्रभावी उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए आमतौर पर रिफाइनरियों को पूरी तरह शटडाउन करना पड़ता है। शटडाउन के दौरान प्रसंस्करण इकाइयों की जांच पड़ताल और उपकरणों के समुचित रखरखाव को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। एक नई पहल के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने उद्योग जगत के भागीदारों के साथ मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन लर्निंग मॉडल और डेटा पाइपलाइन पर काम शुरू किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये मॉडल रिफाइनरियों के शटडाउन समय को कम कर सकता है और इससे उनके बेहतर रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सकता है। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50 Sector 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।